हाय गाइस, प्रेस किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। तो हम बना रहे हैं पराठे। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ जो हरे वाले प्याज आते हैं उसके पराठे बना रहे हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे किसी भी टाइम पर बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें पराठे बनाने के लिए क्या चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पास मैंने लिए हैं ये हरे प्याज, जो हरे जाते हैं जिसे हम स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं। मैंने उसे एकदम बारीकी हमने काट लिया है। साथ ही यहाँ पास हमने लिया है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी धनिया की पत्ती। मैंने लहसुन और अदरक को ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी बनाकर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कटोरी गेहूँ का आटा। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। साथ ही हम यहाँ पास डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से पराठे में अच्छा कलर आता है। अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पास हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। तो अजवाइन का फ्लेवर पराठों में बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी नॉर्मल पराठे भी बना रहे हैं, अगर आप उसमें अजवाइन डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ मैंने थोड़ा सा ही हींग डाला है। हींग ऑप्शनल है, अगर आपको खाना पसंद है तो ज़रूर डालें, पराठे में हींग अच्छा लगता है। तो यहाँ पास हमने डाल दिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जो हमने धनिया पत्ती काट के रखी थी हम उसे भी इस आटे में मिला देंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब इसके बाद जो हमने हरे प्याज को काट कर रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। पराठे आपने बहुत तरीके के खाए होंगे। एक बार आप ये हरे जो प्याज आते हैं उसे के पराठे बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत इजी बन भी जाती है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और जैसे नॉर्मल हम आटा लगाते हैं पूड़ी के लिए, रोटी के लिए, वैसे ही हम इसका आटा लगा लेंगे। हमें आटा ज़्यादा कड़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने हरे प्याज डाले हैं, इसका मॉइस्चर अलग ही रहता है। आटे को हम अगर थोड़े देर के लिए भी रख देंगे तो हमारा आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसलिए आप आटा लगाएँ और आटा लगाने के बाद 5 मिनट के लिए बस ही इसे रेस्ट दें और उसके बाद आप इसके पराठे बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे आटा अच्छी तरीके से लग चुका है। तो चलिए मैं इसे 5 मिनट के लिए बस ढक कर रख देती हूँ। इससे क्या होगा, जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से हमारे आटे में उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो हम 5 मिनट के बाद ही इसका हम पराठा बनाकर रेडी करेंगे। तो इसे ढक कर हम रख देते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है। तो बस इसमें हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाएंगे और एक बार इस आटे को अच्छे से मसल लेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना और ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, मैंने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के इसे एक बार और अच्छी तरीके से मसल लिए हैं। अब चलिए हम इसके पराठे बनाते हैं। तो मैं इसे 2 पार्ट में इस तरीके से अलग कर देती हूँ। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो आप पराठे किस साइज़ के बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें, छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना लें। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पराठे बना रही हूँ, तो उसी साइज़ के इसके पेड़े हम काट कर अलग कर लेंगे। इससे भी पहले मैंने बहुत सारे पराठे की रेसिपी डाली है, जैसे मेथी का पराठा, पालक का पराठा, लाल भाजी पराठा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे भी जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को डाल दूंगी। तो ये देखिए, हम इस तरीके से एक पेड़े लेंगे, हल्के हाथों से इसे घुमाएंगे, हल्का सा हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो आप इसकी थिकनेस कितना रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको मोटे पराठे पसंद है तो आप इसको हल्का मोटा रख लीजिए, अगर आपको पतले पराठे पसंद है तो इसे आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। अगर ये आटा आपको थोड़ा सा चिपचिपा लगे, क्योंकि हमने इसमें हरे प्याज डाले हैं, प्याज वैसे भी हल्की थोड़ी चिपचिपी होती है, तो हल्का हल्का इसमें सूखा आटा लगाते जाएँ और इस तरीके से इसे बेलते जाएँ, बहुत ही ईजी बेल जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से बेल लिया है।
वैसे भी ठंड के समय पे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं, अच्छी हरी सब्जियाँ मिलती हैं और मौसमी सब्जियाँ खाने में तो उसका अलग ही मज़ा होता है। आप कुछ भी इसका बना के खा सकते हैं, जैसे मैंने हरे प्याज के कोफ्ते भी बनाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारे पराठे बनकर रेडी हैं। तो इसे हम एक बार और आपको एक बार बेल कर दिखा देते हैं। बहुत ईजी ये बेलकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए ये कितने इजी ही बेल रहे हैं। अगर आपको इसमें बेलने में दिक्कत हो तो आप इसमें सूखा आटा लगा सकते हैं। और ध्यान रखें जब आप ये हरे प्याज को काटें तो इसकी पत्तियां बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटें। अगर आप इसे ज़्यादा बड़े काटेंगे तो जब हमें ये बेलने में दिक्कत जाती है, तो ध्यान रखें पत्तियाँ इसकी बहुत छोटे छोटे ही काटें। तो ये देखिए यहाँ मैंने तवा गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने पराठे को, और एक तरफ से अच्छी तरीके से जब ये सिक जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। तो चलिए मैं इसे पलट लेती हूँ। अब दूसरी तरफ से भी उसे हम सिकने देते हैं। आप इसमें ऑयल घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ बस देखिए हमने इसमें लगा दिया है घी, और एक तरफ से इसे अच्छी तरीके से सिकने देंगे और पलट कर हम दूसरी तरफ भी इसमें घी लगा लेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से लगा कर अच्छी तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आने तक, चिट्टी आने तक हम इसे अच्छी तरीके से सेक लेंगे। पराठे क्रिस्पी आपको करना है, कैसे आपको सेकना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको एकदम सॉफ्ट पराठे चाहिए तो आप इसे हल्का सा इसमें मोइन डाल दीजिए तो आपके पराठे अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए हमारे एक तरफ से अच्छी चिट्टी इसमें आ चुकी है। इसी तरीके से हम दबा दबा के चारों तरफ से अच्छे इस पराठे को सेक कर रेडी कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है। आप ये पराठे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप इसे नॉर्मल चटनी के साथ भी खाएंगे तो ये अच्छे लगते हैं। अगर आप इसे सूखा भी इसी तरीके खाना चाहेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के पराठे बनाकर भी तैयार कर लेंगे। आप इसे लंच में, डिनर में, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, हेल्दी भी है और टेस्टी पराठे भी हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सारे पराठों को सेक कर रेडी कर लेंगे। आप इसे लहसुन की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या नॉर्मल अचार या सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ये पराठे बहुत ही पसंद आते हैं और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म पराठे मिल जाए तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। तो ये देखिए हम इसी तरीके से अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये रहे हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हैं। कितने टेस्टी लग रहे हैं, इसकी जो महक आ रही है प्याज की तो बहुत ही अमेजिंग आ रही है। आप ज़रूर इसे एक बार घर में ट्राई करें और सभी को खिलाएं, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए तो ये देखिए हमारे पराठे बन गए हैं और आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी हुए हैं। आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और घर पर सभी को बनाकर खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो प्याज के पराठों की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो को कम्प्लीट देखने के लिए थैंक यू।